सातोशी नाकामोटो, एक ऐसा नाम जो अपने आप में बेहिसाब मिस्ट्री समेटे हुए है। इस नाम के पीछे का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। इस नाम के पीछे एक शख्स है, दो लोग हैं या कोई ग्रुप, कोई नहीं जानता। ये क्या हकीकत है या सिर्फ कोई परछाई, कोई इल्यूजन, कोई धोखा, किसे पता? और क्या इस नाम के पीछे का सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। आप तो जानते ही होंगे कि बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के मुताबिक यही नाम सातोशी नाकामोटो है बिटकॉइन का क्रिएटर। एक साल पहले ये मिस्टीरियस नाम कोर्ट तक पहुंच गया, इस पर केस भी चला और सुनवाई भी हो गई। दरअसल बिटकॉइन का क्रिएटर होने का दावा करने वाले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट क्रेग राइट पर ईरा खाइनमैन ने केस किया था। ईरा का कहना था कि 2013 में गुजर चुके उनके भाई डेव खाइनमैन, जो कि एक कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्रेग के साथ मिलकर बिटकॉइन क्रिएट और माइन किए थे, और इसीलिए डेव के गुजरने के बाद अब उसकी फैमिली क्रेग के पास मौजूद 1.1 मिलियन बिटकॉइंस, जिनकी टोटल वैल्यू 57 बिलियन डॉलर्स है, उसकी हाफ वैल्यू के हकदार हैं। लेकिन क्रेग की माने तो ईरा के लगाए किसी एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं है, और क्रेग ही एक लौते बिटकॉइन क्रिएटर है। डेव ने इस मामले में उनके साथ ना तो कोई पार्टनरशिप की और ना ही इस पार्टनरशिप के कोई पेपर्स हैं। हालांकि कोर्ट ने क्रेग पर लगाए ज्यादातर क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए, लेकिन कोर्ट ने क्रेग पर इलीगली डेव के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने पर 100 मिलियन डॉलर्स के डैमेजेस लगाए हैं, जो कि क्रेग को WNK इंफो डिफेंस रिसर्च LLC को देने होंगे। ये वो एंटिटी है जिसके अंडर डेव और क्रेग ने काम किया था। कोर्ट के इस फैसले को क्रेग अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये फैसला प्रूफ करता है कि वही यानी क्रेग राइट ही बिटकॉइन क्रिएटर है, क्योंकि क्रेग को सिर्फ डैमेजेस पे करने को कहा गया, ना कि 57 बिलियन डॉलर्स वर्थ उनके बिटकॉइंस का 50% शेयर। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से क्रेग बेहद खुश थे, क्योंकि अगर कोर्ट क्रेग के खिलाफ फैसला सुनाती तो क्रेग को कोर्ट में खुद को सातोशी नाकामोटो साबित करना पड़ता। बहुत से लोगों के मुताबिक वही ट्रू टेस्ट होता और जाहिर तौर पर सातोशी का असली चेहरा भी सामने आता। केस के क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में क्लाइमन फैमिली के लॉयर फ्रीडमैन ने यही कहा कि क्रेग ने झूठ और फ्रॉड के दम पर अपने डेड बेस्ट फ्रेंड का हक छीना है, क्योंकि कई साल पहले ना सिर्फ क्रेग ने खाइनमैन फैमिली को बताया था कि क्रेग और डेव ने रिवोल्यूशनरी बिटकॉइन बेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की, बल्कि डेव ने अर्ली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करने में भी क्रेग की मदद की थी, जिसकी आज की वैल्यू है 252 बिलियन डॉलर्स। भले ही कोर्ट का फैसला क्रेग के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन सातोशी नाकामोटो का असल चेहरा अब भी सामने नहीं आया है। सातोशी से जुड़ी तमाम मिस्ट्रीज अभी भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ी हैं। क्या कभी ये मिस्ट्री सॉल्व होगी? क्या कभी सातोशी के चेहरे से नकाब हटेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा। अगर स्टोरी ने क्रिप्टो करेंसी और उनसे जुड़ी पर्सनालिटीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ाया है तो देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, क्योंकि मैं रुचि शर्मा ऐसी और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन टेक केयर, चाओ।